उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना भारी भरकम बजट पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता आज इस बजट से कितनी लाभान्वित होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी। हम उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या इस पिटारे में है और क्या क्या उपलब्धियां आप सरकार के हाथ लगने वाली हैं। सर, क्या लगता है आपको, इस बजट से कुछ उपलब्धियां प्रदेश की जनता को मिल पाएंगी? अभी तो जनता को देखना पड़ेगा कि वो इस बजट से कितनी लाभान्वित है, लेकिन आदरणीय योगी जी ने इस बजट में सिर्फ विकास की बात की है। लोगों को लगता था कि बड़ा लोक लुभावना कुछ इस प्रकार का होगा कि पता नहीं डुग्गी बजेगी और क्या फायदा हो जाएगा। हमने धरातल पर रहकर जनता के हित की बात की है। हमने बात की है कि बिजली जो है वो पूरी तरह से मिले, तो हमने ध्यान रखा है कि किसान का हित कैसे हो। किसान की प्राइस का ड्योड़ा दे देना उसकी लागत का, हम यहाँ नहीं रुके हैं। हमने आगे जाकर कहा है कि उसकी वैल्यू एडिशन कैसे हो, तब उसकी आमदनी बढ़ेगी। जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो समाज के अंदर बाकी काम भी बढ़ेगा, बाकी की भी आमदनी बढ़ेगी। हमने शिक्षा में काम किया है, हमने जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है। स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान योजना में जो 2011 की और 12 की सेंसस रिपोर्ट थी उसमें अनेक लोग छूट गए थे, तो ऐसे उन लोगों को सब माने मुख्यमंत्री के नाम से आयुष्मान योजना चालू करके 111 करोड़ रुपए की अभी जो है वो व्यवस्था की है। आवश्यकता अनुसार इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। हमने पहली बार शायद भारतवर्ष में एक ऐसी आदरणीय योगी जी ने स्कीम दी है जिसको सुकन्या योजना का नाम दिया है, सुमंगला योजना का नाम दिया है। वो सुमंगला योजना जब बच्ची इस संसार में अपने कदम रखेगी तो इसके इम्यूनेशन माने टीकाकरण से लगाकर और जब वो पढ़ेगी पढ़ाई का सारा खर्चा और उसके बाद देते हुए जो है वो जब वो विदा होगी तो अर्थात उसको एक मुश्त पैसा देने की व्यवस्था, ये अपने में अद्भुत अनोखी है। ये सारी व्यवस्थाएं और वो चाहे जो है शिक्षा संबंधित मैंने बताया, स्वास्थ्य संबंधित तो हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, ये अपने में अभूतपूर्व कार्य है। उत्तर प्रदेश आगे आर्थिक दृष्टि से कैसे और बलवान हो, कैसे उसके यहाँ अर्थ का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकमिंग हो, तो उसके लिए पर्यटन को विकास। अब पर्यटन में हमारे यहाँ सांस्कृतिक विकास है, सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हमारी प्रमुखता है। पुरानी जितनी हमारी जो है बिल्डिंग्स थी, जितने हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थान थे, ये तो ऑलरेडी हैं, उनको कर रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थान हैं उनको भी पर्यटन से जोड़ते हुए हम तेज़ी से जो है वो पर्यटन को भी जो है एक बहुत बड़ा उद्योग का दर्जा देने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कह सकता हूँ कि मेरा बजट जो इस बार पिछले बजट की भी तुलना में, अर्थात इस बार जो बजट 4,79,701 करोड़ के आसपास का है, वो पिछले बार के तुलना में लगभग 12% ज़्यादा है। और ये निश्चित रूप से जो है वो पूंजी का परिसंपत्तियों को सृजन करने वाला है, ये यहाँ पर विकास देगा, जनहित का काम करेगा, निश्चित रूप से ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ा बजट है, तीसरा बजट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ना ये चुनावी बजट है ना ही इससे कुछ नया होने वाला है, तो क्या आरोप सही है? अब ये तो वो ही जाने कि सही है क्या है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरा तो जो कुछ भी है वो लिखा पढ़ी में है और मैं लिखा पढ़ी में दे रहा हूँ। मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, कर्म करते जाना। योगी जी ने सिखाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, इतना ही मेरे को। एक आखिरी सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे के लिए गंगा डिफेंस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे जिसपे अखिलेश जी कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ में तो घास भी नहीं उखाड़ पाएंगे सरकार। ठीक बात है, उनकी सारी योजनाएं ऐसी थी 1973-74 से जो है वो सिंचाई की परियोजनाएं पड़ी हुई थी, वहाँ घास नहीं उखाड़ पाए और हमने किसानों को जो है वो अब पानी देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी अंतिम सवाल कि कब्रिस्तान
की बात नहीं वो कह रहे हैं कि अंत्येष्टि के लिए तो जगह है लेकिन कब्रिस्तान के लिए नहीं, क्या लगता है? उनका कहना गलत है। हमने जो है, अगर संस्कृत विद्यालयों की बात की है तो हमने जो है वो अरबियन, फारसी और उर्दू विद्यालयों के लिए भी जो है बहुत पैसा लगा है। धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि हमने जो बजट दिया है उसमें आम जनता को जरूर बहुत कुछ मिलने वाला है। अब देखना यह है कि जनता कितना लाभान्वित होती है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ।